हेलो एवरीवन आज हमारा टॉपिक है फोटो पीरियडिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटो पेरियडिज्म के बारे में स्टडी करेंगे देन फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट सो नाम से पता चलता है फोटो पीरियडिज्म को अगर आप ब्रेक डाउन करें दो पार्ट्स में तो फोटो का मतलब होता है लाइट एंड पीरियडिज्म का मतलब होता है पीरियड इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट जिसके रिस्पॉन्स में प्लांट या एनिमल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना डेवलपमेंट या अपनी ग्रोथ शो करता है उसे फोटोपीरियडिज्म कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज कि लाइट के रिस्पांस में जब प्लांट या एनिमल अपनी डेवलपमेंट करते हैं अपनी ग्रोथ करते हैं उसे फोटोपीरियडिज्म कहते हैं सो so, इसे एक बार डेफिनेशंस है और इसकी हिस्ट्री आपको समझा देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1920 गार्नर एंड अलार्ड दो साइंटिस्ट थे इन्होंने फोटोपीरियडिज्म की डिस्कवरी की थी इन्होंने देखा कि जो लाइट है उसकी एक ड्यूरेशन यानी कि उस कितनी लाइट एक एनिमल को चाहिए वो एक ड्यूरेशन एक फिक्स पीरियड ऑफ लाइट से ज़्यादा या कम उस प्लांट पर इम्पैक्ट करती है या उस एनिमल पर इम्पैक्ट करती है वो उस पे पर नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रोथ पर इम्पैक्ट करती है तो इन सिंपल वर्ड कि एक मान लीजिए किसी प्लांट को या एनिमल को ट्वेल्व आर चाहिए लाइट के उसकी डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ के लिए लेकिन उससे ज़्यादा जैसे किसी को एटीन आर मिल गई या उससे कम किसी को टेन या एट आर ही मिले दोनों ही उस प्लांट के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं सो so, इन्होंने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उस लाइट के जो ड्यूरेशन है उसके लिए रिस्पॉन्स शो करता है इसलिए इन्होंने इस टॉम को फोटो पीरियडिज़्म कहा तो आपको यहाँ पे आ रहा है जैसे कि पढ़ने में कि इन 1920 ट्वेंटी डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर एंड एच ए एल आर यानी कि गार्डनर एंड एल आर ने पब्लिश देअर डिस्कवरीज़ ऑन फोटो पेरियोडिज़्म इन्होंने फोटो पेरियोडिज़्म पर अपनी डिस्कवरी बताई मतलब फोटो पेरियोडिज्म को डिस्कवर किया एंड फेल्ट इट वॉज द लेंथ ऑफ डे लाइट दैट वॉज क्रिटिकल बट इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द लेंथ ऑफ द नाइट वॉज द कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1920 में गार्नर एंड अलार्ड ने डिस्कवरी की थी फोटो प्लेडिज्म की अब ये जो ये लाइन कह रही है इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो रिस्पॉन्स कर रहे थे उसके लिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल यही डिस्कवर किया गया था कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी कि एक प्लांट या एनिमल को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइट पीरियड कितना तो चाहिए उसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है लेकिन बाद में ये कंक्लूज राउंड हुआ कि वो लाइट के लिए नहीं यानी कि उसको डे पीरियड नहीं उसके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है यानी कि अगर आप उसको किसी प्लांट को एक लाइट दे रहे हैं तो वो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है वो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा लेकिन जो उसके अलावा उसको नाइट फेस मिल रही है डार्क फेस मिल रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्स शो करता है वो उसका कंट्रोलिंग फैक्टर है तो इन सिंपल वर्ड कि दिन नहीं रात है ज़रूरी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए ठीक है तो मतलब यहाँ पर यही लिखा है कि देखिए एंड फेल्ट इट वॉज द लेंथ ऑफ डे लाइट कि जो लेंथ ऑफ डे लाइट ड्यूरेशन ऑफ लाइट दिन की लाइट वॉज क्रिटिकल कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो क्रिटिकल है कि उसको कि, वो कितने मिले ट्वेल्व आर मिले एटीन आर मिले सिक्स आर मिले उस पर रिस्पॉन्स करें लेकिन बाद में डिस्कवर किया गया कि लेंथ ऑफ द नाइट यानी कि डार्क फेज ना कि लाइट फेज डार्क फेज कंट्रोलिंग फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए सो so, इन दोनों ने ये पता लगाया फोटोप्रियडिज्म का अब फोटोप्रेडिज्म एक्चुअली होता क्या मैंने जैसे बताया आपको कि फोटोप्रेडिज्म इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और अ डार्क पीरियड कि जब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म उसकी ग्रोथ उसका रिप्रोडक्शन उनमें से या उनको लेंथ ऑफ नाइट या डार्क यानी डार्क फेज़ के लिए रिस्पॉन्स करें क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को डिस्कवर किया गया था कि लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं बाद में यहाँ पे नाइट या डार्क फेज कहा जाने लगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जो ग्रोथ फेज है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डार्क फेज के लिए रिस्पॉन्स करे तो उसे आप फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं इट अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि दोनों के लिए होगा फोटो पीरडियज कैन आल्सो भी डिफाइन एज द डेवलपमेंट रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड कि इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल सी चीज़ कि डेवलपमेंट रिस्पॉन्स सिंपल सा जैसे कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कहा था उसमें मैंने डेवलपमेंट रिस्पॉन्स आपको बता दिया कि वो ग्रोथ मेटामोलिक एक्टिविटी रिप्रोडक्शन ये सब डेवलपमेंट में आएगा तो अगर वो लाइट के या डार्क के फेज में अपने डेवलपमेंट रिस्पॉन्स को देता है कि उसकी लाइट फेज में मान लीजिए किसी कोई प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता था लेकिन अब लाइट फेज नहीं मिल रही है उसको तो वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा या उसको डार्क फेज चाहिए थी अपने ग्रोथ के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए तो नहीं मिलेगी तो वो रिस्पॉन्स वो नहीं करेगा जैसे कि आप एक सिंपल सा प्लांट लीजिए इन सिंपल वर्ड कह रही हूँ मैं कि अगर एक सिंपल प्लांट लेते हैं आप और उसमें आप अगर नाइट फेज नहीं दें और ना डार्क फेज दें मतलब या तो नाइट नहीं दे रहे हैं मतलब वो उससे आप डार्क फेज नहीं दे रहे अंधेरे में नहीं रख रहे हैं ठीक है उसे पूरे टाइम आपने लाइट दे रखी है उसकी अगेंस्ट जब आप देखेंगे कि उसका आप जब रिजल्ट देखेंगे तो वो प्लांट ग्रोथ उतनी नहीं सो करेगा उस प्लांट में जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी या वो प्लांट थोड़ा मुरझा जाएगा या अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ही करता रहेगा ये सारे इम्पैक्ट देखे गए हैं प्रैक्टिकली कि फोटो पीरियडिज्म यानी कि अगर लाइट का किसी भी प्लांट या एनिमल को दिया जाता है तो इस तरह से उसके रिस्पॉन्स शो करता है कि उसकी एक कंटिन्यूअस लाइट पीरियड या कंटिन्यूस डार्क पीरियड देने पर प्लांट एक पॉजिटिव ग्रोथ नहीं करता है उसकी ग्रोथ या तो सप्रेस हो जाती है या एकदम रिड्यूस हो जाती है सो द टर्म फोटोपिरीडिज्म वॉज क्विंग टू डिस्क्राइब अ प्लांट्स एबिलिटी टू फ्लार इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द फोटो पीरियड कि अगर प्लांट के कंसेप्ट में बात करें ठीक है अगर हम प्लांट के लिए बात करें ये तो हो गई दोनों के लिए एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए लेकिन जब हम प्लांट के लिए बात करें तो क्या होगा फ़ोटो प्रेड्यूज इन सिंपल वर्ड एकदम इजी वर्ड में आपको फोटो प्रेड्यूज अगर कहीं लिखा दिखता है या कहीं पर मिलता है तो दैट मीन कि वो फ्लॉवरिंग के रिस्पॉन्स में अगर सिंपल कहते हैं तो कि आपको दिमाग में डायरेक्ट हिट होगा कि फोटो प्रेड्यूज मतलब उसमें फ्लॉवरिंग कि लाइट जो उसको मिल रही है जो इसको डार्क फेज मिल रही है उसका फ्लॉवरिंग पे क्या इम्पैक्ट है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज पे क्या इम्पैक्ट है लेकिन ये तो हमने हम तो कहते हैं कि हाँ फोटो प्रोड्यूज जेनरली अगर एक मेन फैक्टर कहा जाए जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक हार्मोन का या हर एक क्रिटिकल जो भी आप फिनमिनल लें उसका एक रिस्पांस होता है एक पर्टिकुलर रिस्पांस होता है उसके अगेंस्ट उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे लेकिन वो एक पर्टिकुलर रिस्पांस होता है वैसे ही फोटोप्रेडिज्म का एक पर्टिकुलर रिस्पांस है कि प्लांट की जो वेजिटेटिव फेस है उसको रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज कर देना यानी कि उसमें फ्लावरिंग को एनहेंस करना उसको बढ़ाना सो so, अगर हम इसके अलावा देखें कि और क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लांट में तो देखिए फोटोप्रेडिज्म इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ दैट एनेबल प्लाट्स टू एडेप्ट टू सीजनल चेंज इन देयर एनवाइ इस लाइन का मीनिंग है कि फोटोपेरियोडिज्म को आप हाँ ठीक है लाइट से मतलब लाइट को ऐसे ले रहे हैं आप कि उसके अंदर क्या फ्लोवरिंग में चेंज आ रहे हैं उसके अंदर वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होती है कि नहीं होती है फ्लावरिंग होती है कि नहीं होती है लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड कहें तो सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं प्लांट अपने आप को मतलब लाइट से इस तरह से अडोप्ट करता है कि जो उसके आस पास एनवामेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्स शो कर पाए जैसा कि आप देखते हैं कि जब विंटर होती है तो प्लांट थोड़ा अच्छा हरा भरा दिखेगा आपको ठीक है जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम है जिसको डार्क फेज ज़्यादा चाहिए होती है। जब प्लांट थोड़ा डार्क फेज़ में आता है तो वो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा लेकिन वही प्लांट अगर आप गर्मियों में उगाना चाहें या समर में उगाना चाहें उसे लाइट दें टोटली एक उसकी क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा तो वो अपनी ग्रोथ नहीं सो करता है सो so यहाँ पर यही है कि जो प्लांट हैं वो अपने आप को लाइट उनको जब मिलती है तो वो लाइट उनके लिए एक सिग्नल की तरह काम करती है जैसे कि आपको सिग्नल मिलता है कि आप कि जब जैसे ही आप अपने चारों तरफ लाइट देखते हैं उजाला देखते हैं तो आपको पता चल जाता है सुबह हो चुकी है दैट मीन प्लांट भी प्लांट के पास कोई वॉच तो नहीं है ना उसके पास कोई बताने वाला है तो प्लांट अपने आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं या एनिमल्स जो हैं अपने आसपास जो चेंज हो रहे हैं उनको लाइट के रिस्पांस में कि हाँ अब लाइट ज़्यादा आ रही है दैट मीन समर आ चुकी है कम आ रही है दैट मीन विंटर आ चुकी है इस तरह से वो लाइट से अपना टाइम पीरियड या एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसे कैलकुलेट करते हैं सो so, यहाँ पर यही लिखा है कि फोटोपेडिज्म इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ कि फोटोपेडिज्म से क्या होता है जो चेंज हुआ है डे लेंथ में दैट एनेबल प्लांट टू अडप्ट टू सीजनल चेंज इन देयर एनवायरनमेंट जिससे कि प्लांट अपने आप को चेंज करता है अडेप्ट करता है जो उसके आसपास में चेंज हो रहे हैं सिंपल सब मीनिंग यही है कि जैसे कि गर्मियों में दिन थोड़े बड़े होते हैं तो प्लांट को पता चल चुका है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो उसमें कुछ चेंजेज़ आएंगी क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है सनलाइट इतनी तेज है तो उन्हें अपने अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करने होंगे वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विंटर में एक्सेस विंटर होती है और उनको पता चलता है कि विंटर है दैट मीन डार्क पीरियड ज़्यादा है तो उनके अंदर कुछ अलग चेंज होंगे जो उनको विंटर में सर्वाइव के लिए रिक्वायर है तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आए हों चलिए अब इसके अलावा बात करें कि ठीक है फ्लावरिंग का तो जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे बता दें कि अडप्ट करता है अब उसमें वो क्या क्या चेंज करता है तो द बेस्ट स्टडीज एग्जाम्पल ऑफ फोटो इन प्लांट इज़ फ्लावरिंग जनरली अगर हम बेस्ट की बात करें कि फ़ोटोपेरेडिम को हम मैंने कहा ना जैसे ही बोलते ही आपका जो दिमाग में आता है वो होता है फ्लॉबरिंग लेकिन इसके अलावा भी जो रिस्पॉन्स है वो है ये बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है जैसा मैंने आपको याद कीजिए जब मैं एनवामेंट की जब इको की क्लास में थी तब मैंने आपको बताया था बड डॉर्मेन्सी वर्ड आया था वहाँ पर उसमें फोटो पेरेडिज़्म अपना रोल प्ले कर रहा था या बल्ब या ट्यूबर का इनिशिएशन हो यानी कि जब या तो सीड को जर्मिनेट होना हो उसमें फ़ोटोपेरेडिज्म अपने आप को कर रहा था या बल्ब या ट्यूबर फॉर्मेशन होना हो या बड डरमसी इन सब में फोटोपेरेडिज्म अपना रिस्पॉन्स शो करता है अगर हम एक करेक्ट एकदम एग्जैक्ट बात कहें तो फोटोपेरेडि का मतलब फ्लावरिंग है और अब बाकी भी उसमें चेंजेस आते हैं वो है बड डरमसी बल्ब या ट्यूबर का इनिशिएशन सो so, चलिए ये हुई उसकी हिस्ट्री और एक जनरल सा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली फोटोपीरियडिज्म क्या है प्लांट के लिए अब बात करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है प्लांट में इन्हें फोटो के लिए कैसे अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया तो फोटो का देख जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हम फोटो को तोड़ें तो फोटो का मीन होता है लाइट एंड पीरियड का मीन्स होता है कि ड्यूरेशन है लेंथ ऑफ टाइम सो so, यहाँ पे जैसा कि लिखा है एकदम सिंपल डेफिनेशन कि फ़ोटो पेरियोडिज़्म इज़ द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कि वो क्या करते हैं डे या नाइट की जो लेंथ होती है उससे रिएक्शन करके अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं दैट मीन वो फोटोपिरोडिज़्म है अब जो बहुत सारे प्लांट हैं वो क्या करते हैं सेंस कर लेते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट ठीक है सेंस का मतलब पता लगाते हैं कि एनवायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है किस बेसिस पे लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पे उस बेसिस पे इन्हें क्या कहा गया है कि ये पता करते हैं कि जैसे कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब गर्मियाँ होती हैं तो जो डे लेंथ है लाइट की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है वो पूरे सुबह सिक्स ओ क्लॉक समथिंग जो सन है सनराइज़ हो जाता होगा उसके बाद सनसेट होने में कम से कम एटीन आवर तक का टाइम लगता है मतलब सिक्स टू सिक्स आप देखते हैं अच्छा खासा डे लेंथ होता है उस समय और वही विंटर में उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल थ्री फोर्थ या आधा हो जाता है तो उस तरह से प्लांट सेंस कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है कुछ सीजनल चेंज आया है और ये सीजनल चेंज को पता लगाने के लिए उनके पास एक ही सोर्स है वो होता है लाइट अब ठीक है लाइट को उनको पता लगाना है लेकिन वो लाइट का कैसे पता लगाएंगे ऐसी क्या उनके पास चीज़ है जिससे वो पता लगाते हैं तो उनके पास एक फाइटोक्रोम नाम का आप ऐसे मान लीजिए फाइटोक्रोम एक सेंसर है हर चीज़ का एक सेंसर होता है प्लांट के पास एक फाइटोक्रोम सेंसर है जो कि एक क्या करता है जब लाइट आ रही होती है उसको सेंस करता है तो ये एक फ़ोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है फोटो रिसेप्टर का मतलब कि लाइट पड़ती है ये उसको रिसेप्ट करता है एक्सेप्ट करता है और उसकी अगेंस्ट मतलब उसके रिलेटिव में उसके लिए पता लगाता है कि हाँ अब डे लेंथ है या शॉर्ट है या लॉन्ग हो मतलब विंटर है या समर है तो सिंपल सी चीज़ कि प्लांट क्या करते हैं अगर हम इस सब को समरी में करें तो कि प्लांट हो या एनिमल हो अपने जो डे लेंथ में चेंज आता है जो लाइट की ड्यूरेशन में चेंज आता है उसको सेंस करते हैं और उसके सेंस करके उसके रिस्पॉन्स में अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव फेस को एनहेंस करते, है करते हैं या रिड्यूस करते हैं उसके लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ अडप्टेशन करते हैं जिससे वो सर्वाइव कर पाए प्लांट की बात करें अगर हम तो प्लांट में मोस्टली फ्लावरिंग होती है और उसके अलावा बर्ड डॉर्मेंसी ट्यूबर्स का इनिशिएशन ये सब भी हो सकता है लेकिन प्लांट में होता क्या है ऐसा अगर हम सिर्फ प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के पास एक फ़ाइटोक्रोम नाम का रिसेप्टर होता है फ़ाइटोक्रोम फाइटो का मतलब प्लांट और क्रोम का मतलब उनके अंदर एक प्रोटीन या सब्सटेंस है ये जब मैं आपको फाइटोक्रोम बताऊंगी तब आपको अच्छे समझ में आएगा आप सिर्फ इतना समझ लीजिए एक फाइटोक्रोम नाम का रिसेप्टर होता है ये फाइटोक्रोम क्या करता है जो लाइट पड़ती है उसे सेंस करता है और उसके रिस्पॉन्स में बताता है मतलब उसके रिस्पॉन्स में प्लांट को एक्टिवेट करता है या प्लांट को सिग्नल देता है कि तुम्हारे एनवायरमेंट में ये चेंज आ रहे हैं सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आया हो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि सिंपल सा पॉइंट यहाँ तक समझ आ चुका है कि हाँ ठीक है लाइट को सेंस किया जा रहा है अब प्लांट लाइट को सेंस करके करेगा क्या वो अपने अंदर चेंजेस कर रहा है उन चेंजेस के बेसिस पे यानी कि प्लांट कौन सी लाइट के लिए अपनी पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है प्लांट किसके लिए नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है इनके बेसिस पे यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइट में कौन सी लाइट है जिसमें वो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है और कब वो अपनी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है उनके बेसिस पे प्लांट को तीन टाइप में कैटेगराइज किया तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लांट नीड एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ क्रिटिकल ड्यूरेशन क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब प्लांट हर एक प्लांट के पास एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है कि जैसे जो विंटर में प्लांट उगते हैं उनके लिए एक फिक्स ड्यूरेशन लाइट है कि उन्हें ट्वेल्व आवर या फोर्टीन आवर चाहिए होते हैं ठीक है लेकिन उसी के रिस्ट अगर मगर हम दूसरी बात देखें तो जो सेकेंड प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट उनको जो लाइट है वो एटीन आवर्स चाहिए होती है नाइनटीन आवर ऐसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है इसके एकदम एक प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा भी मिले तो भी ठीक है कम भी मिले तो भी ठीक है तो दैट मीन कि हर एक प्लांट के पास क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब क्रिटिकल का मतलब कोई भी एक फ़िक्स टाइम है मतलब फ़िक्स पीरियड है उसके अलावा या उससे ज़्यादा या कम उस प्लांट पे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है सो so यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब यही है कि प्लांट को जो लाइट से एक्सपोजर का टाइम मतलब लाइट से एक्सपोज करना उनसे रिएक्शन करने के लिए एक क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके अगेंस्ट अगर उन्हें ज़्यादा दी जाए या कम दी जाए वो नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं दिस ड्यूरेशन इज डिफ्रेंश डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट ये अलग अलग होती है जैसा कि मैंने बताया इसके बेसिस पे प्लांट को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया वो थे सॉट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में तो अगर हम सिंपल वर्ड यहाँ से समझें कि सॉट डे प्लांट क्या होते हैं तो सॉट डे प्लांट का मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट कम है यानी कि जिनको लाइट कम टाइम के लिए चाहिए और जिनको अगर लाइट कम टाइम के लिए चाहिए यानी कि डार्क फेज़ ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए लाइट ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए यानी कि उनको जो डार्क फेज़ है जो नाइट फेज़ है वो कम समय के लिए चाहिए कम टाइम के लिए चाहिए और डे न्यूट्रल को चलेगा दोनों ठीक है मतलब एक उनके लिए फिक्स क्रिटिकल पीरियड नहीं है आई थिंक आपको आई होप यहाँ तक समझ आ चुका हो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को करके सुनिएगा कि इसमें क्या मैंने पॉइंट कहे हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि जब आप आंसर राइट right करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट होना जरूरी होता है इसके अलावा भले ही आप जो लिखना चाहें लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो लिख दीजिए जिससे कि वो आपका आंसर इफ़ेक्टिव लगे या आप जब भी कोई भी एग्जाम फाइट करें तो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए चलिए अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टिल देन लर्न करते रहिए थैंक यू